हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की हमारी सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक और पार्ट स्टार्ट करेंगे 13 सितंबर की 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस का हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको पी की वैल्यू दी गई है 120, पी एस के बारे में बोला गया है कि वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर एस पॉइंट पर। उसके बाद ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया कि पी क्यू और क्यू एस की वैल्यू एस आर के इक्वल है, उनके सम की। देन आपको क्यू का मेजरमेंट करना है। तो देखिए, मैं अगर यहाँ से आपके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपका हो गया, सपोज कीजिए ये आपका पी मान लीजिए, ये आपका हो गया क्यू और ये हो गया आपका आर। अब आपको बोला गया है कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहाँ पर, एस पर, और ये वैल्यू आपको कितनी दी है 120। ये वैल्यू आपकी 120 है और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर, और इसका पॉइंट कितना है एस। आपको बस ये 120 वैल्यू बोला है और एक्सप्रेशन दिया गया है कि भाई पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू आर एस, यानी कि यहाँ से आपको दिया गया है पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू आर एस। यहाँ से मैं आपसे बोलूँ कि आप इधर आर एस अगर ऐड करेंगे तो इधर भी आपका आर एस ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 RS हो जाएगा। तो इधर आपके पास वैल्यू क्या बचा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस आर एस। तो ये पूरी पी क्यू और आर एस कितना हो गया, क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू अगर आपके पास 2S है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का रेशियो जो होगा वो होगा आपका कितना, 2:1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये 120 है तो ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी मिलाकर, 60 होगी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए था। यानी कि 2:1 की वैल्यू है आपके पास 60, तो 3:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। 1 की कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, क्यू की वैल्यू, जो कि क्या है, 2:1 के इक्वल। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 20 डिग्री, और आंसर आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखना है कि भाई पी क्यू और क्यू आर का, अगर पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू 2 RS के इक्वल है, तो इस कंडीशन में 2 RS वाला वैल्यू ये आपका 1 हो जाएगा रेशो, और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको इसे बैलेंस करना होगा। तो मास पॉइंट थ्योरम से इस चीज़ को समझा जा सकता था, बट इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर। तो देखिए, पहले एवरेज स्कोर निकाल लीजिए। आपको पता है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 600 दी गई है टोटल मार्क्स में। अगर 600 टोटल मार्क्स है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 600 / 5 सब्जेक्ट हैं तो ये कितना हो गया आपका, 120 ही हुआ ना जी, ठीक है। अगर आपके पास पता है कि 120 आ गया, तो 120 का वैल्यू करस्पॉन्डिंग में बात करूँ किसके इक्वल है, कितने डिग्री के इक्वल है, तो आपको निकालना होगा भाई 600 का अगर किसके इक्वल है, 360 के आपको ये दिया गया है, तो 120 का आपको देखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 360 / 600 × 120। ये आपको करना होगा। अभी कितना हो गया आपके पास, 12 से ये आपका 5 बार 5 से लगभग कितना जाएगा, 7 और 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 72 डिग्री। अब देखिए, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे आपके वैल्यूज़ हैं जो कि 72 डिग्री से ज़्यादा हैं। एक तो यहाँ पर ज़्यादा है और एक यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर इनके एवरेज से ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द सब्जेक्ट्स इन सब्जेक्ट सी और ई। सी और ई का कॉम्बिनेशन मैं डिग्री में ही ले लेता हूँ, क्योंकि उसका कंपैरिजन कराया गया है परसेंटेज में ए और डी टुगेदर से। तो सी और ई की बात करते हैं, तो सी आपका ये रहा और ई आपका ये रहा, 76 और 68 की सम वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 144। उसके बाद ए और डी का सम बताऊँ, यानी 60 और 72, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 132। अब इससे कितना परसेंटेज लेस है, कितना परसेंटेज लेस नहीं, ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो इनके दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 12 / किससे, इससे पूछा गया था कितना ज़्यादा है, 132 × 100 आपको करना होगा। तो 12 से कितना जाएगा, 1, यानी कि 1/11 × 100 आपके पास आया है, और इसकी कितनी वैल्यू होती है आप सभी को पता होगा, 9.09%। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको सम करना था और उनके बीच का परसेंटेज मोर निकालना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी एंड डी। देखिए, बी और डी का डिफरेंस आपको निकालना है। बी कितना है, 84, डी कितना है, 72 डिग्री। डिफरेंस कितना हो गया, सीधे सीधे 12 डिग्री। अब देखिए, आपको पता है 360 डिग्री का वैल्यू इन्होंने दिया है कितना, 600, 12 का पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 12/360 × 600, यहाँ से कितना हो गया, ये
30 जाएगा, 30 से 0 गया, ये कितना आ गया 20, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास रखना है। अगर आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी आती हैं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट है, आपको एक्स वाई जी की वैल्यू दी है, एक्स वाई जी का मल्टीप्लीकेशन दिया है, उनके स्क्वायर का सम दिया है और उनके क्यूब का सम आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं इसके क्यूब की बात करूँ, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, तो ये वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी आती है? अगर मैं इस वैल्यू को आपको लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, xyz इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास कितनी हो जाती है? ये हो जाती है समथिंग लाइक आपका यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी आएगा, और इधर आपका कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये आपका होता है। अब देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास नहीं है, ठीक है। अब इसको निकालना होगा आपको, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके स्क्वायर वाले वैल्यू से चीज़ों को देखना होगा। तो जैसे कि बात करूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये वाला वैल्यू, मैं इसे ए मान लेता हूँ। तो यहाँ से ये कितना है आपके पास 6, और उसका स्क्वायर कितना देगा 36, स्क्वायर का सम कितना है 30 प्लस आपका 2a हो गया, तो ये 6 हो गया, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसका क्यूब आपको बताना है। अगर मैं उसे आपका b मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जी जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 30। एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू कितनी है 6, अंदर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर का सम 30 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3, यानी कि माइनस आ जाएगा आपके पास 3, 30 माइनस 3, ये चीज़ क्लियर है। तो ये कितना हो गया आपके पास 6 × 27। अब यहाँ पे 30 भी माइनस करना है, तो फाइनली बी जिसकी वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 6 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 162, और इसमें से 30 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना था, कैलकुलेशन आपको आती है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, कभी भी अगर टर्म्स इस तरीके से होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई ही है अंदर, क्योंकि बाहर स्क्वायर ले रखा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये कितना है 4.6 5.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, मैं इसे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा डिवाइडेड बाई क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगा। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये वैल्यू आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 4.6 और 5.4 कितना देता है 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 3ab का सम कितना है, मल्टीप्लीकेशन कितना है यहाँ पर दिया था 24.84, तो तीन गुना करूँगा तो लगभग कितना जाएगा ये 74.52, इसको 100 में से माइनस करना होगा, कितना आ जाएगा कि लगभग लगभग 25.48, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू दिया गया है और बताना है इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कोशिश करनी है, आपको पहले थीटा की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप यहाँ पर चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वैल्यू पुटिंग करके आप देख सकते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन आपका सेटिस्फाई होता है। मैं अगर हाफ की बात करूं यानी 30 पुट करूंगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर √3 हो जाएगा तो 1 प्लस समथिंग बनेगा। तो एक बार अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं देख सकता हूँ, वैसे आप वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कहाँ पर करता है, लेकिन मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है आपके 4/3 के इक्वल। देखिए ये और ये आपका 1 दे देगा, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से, और नीचे क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बन गया आपके पास 2
कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4/√3, 2 से कट जाएगा। अब देखिए कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, ये ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 60 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए थी, अगर थीटा की वैल्यू आपने 60 निकाल ली तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया √3 प्लस ये कितना है sec 30, और इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अब इसका क्या करना है आपको, इन्वर्स यानी कि 1/2 + √3 का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 - √3, नीचे अगर 2 - √3 करूंगा a² - b² हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 आएगा और आंसर क्या आ गया आपके पास 2 - √3, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बस थीटा की आपको वैल्यू निकालनी थी, एक्सप्रेशन में पुट करना था, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सुधा खरीदती हैं 80 आर्टिकल सेम प्राइस पर, उसने सेल किया सम ऑफ देम को 8% प्रॉफिट पर एंड रिमेनिंग को 12% लॉस पर, ओवरऑल उनको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए एसपी को आपको यहाँ पर कंपैरिजन कराया जा रहा है, पहली कंडीशन में जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 8% का हुआ, दूसरी कंडीशन में लॉस हुआ 12% का, और ओवरऑल हुआ आपको 6% का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाएंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 6 - -12 देगा आपको 18, 8 - 6 देगा 2, रेशो आ गया आपके पास 9:1। अब देखो यहाँ से जो आपको वैल्यू पूछी है वो किस तरीके से निकालनी होगी, आपको इन्होंने बोला था कि भाई ओवरऑल जो आपके पास था वो कितना था, 80 आर्टिकल थे, और पूछा गया भाई वो नंबर ऑफ आर्टिकल बता दीजिए जिनको 8% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 9 की वैल्यू पूछी है तो 9/10 × 80 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 72, तो आंसर विल बी 72, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इतने मिनट लेट, उसका यूजुअल टाइम बताना है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं उसने अपनी यूजुअल स्पीड से कितना किया इतना परसेंट, तो अगर मैं यूजुअल की बात करूं और जो उसकी न्यू वैल्यू है उसकी बात करूं, तो यूजुअल अगर 100 था तो न्यू उसने कितना किया 60, रेशो कितना आ जाएगा 5:3 का। ये आपकी किसकी बात की है, स्पीड की। अब मैं टाइम की बात करूं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रेशियो, तो ये का 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2 यूनिट, इसकी वैल्यू दी है कि भाई इतना टाइम डिफरेंस कितना है 1 घंटे 40 मिनट का, 1 घंटे 40 मिनट का। अब इसे घंटे में करने के लिए कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1/2/3 यानी कि 5/3। अगर आपके पास ये वैल्यू आ गई है कि भाई कितना आएगा ये 2/3 ही आएगा ना, ठीक है तो 5/3 आ गया। अगर 2 की वैल्यू आपके पास 5/3 तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इसका यूजुअल टाइम, इसका यूजुअल टाइम जो कि 3 था, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 × 5/3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, सेलिंग प्राइस 132 हो गया, मार्क प्राइस पूछा है, अगर बोला गया है कि भाई अगर आपने ऑफर किया है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 12% का, तो मार्क प्राइस पर अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ 12% का तो कितना हो जाएगा 88/100, ये क्या बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना हो गया आपका यहाँ से 132 × 100/88, तो ये 11 से कट जाएगा 8 बार, 11 से कितना कट जाएगा 1, 2, और 4 से आपका 2 कट गया, ये 3 हो गया, 2 से आपका ये 50 हो गया, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 150। अगर मार्क प्राइस 150 है, सीपी 100 है, तो इन्हीं का रेशो पूछा है, सीपी और मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा 50:2 और 50:3, 2:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज दी अनदर वीडियो जो कि आपके लिए थी, और ईडीयू के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वीडियोज़ के लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्विज भी आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ, आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, लगभग 13K+ लोग हमसे वहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, रेगुलर पोस्ट आपके लिए डालता रहता हूँ। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे अपने आखिरी पार्ट में, अपनी 2018 की सॉल्यूशन सीरीज में, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।